किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जो लगातार रेन हो रही है, वर्षा हो रही है, तो ऐसे में जो हमारे किसान भाई हैं जो सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं, वेजिटेबल्स क्रॉप उगाते हैं, उनकी जो चिंता है वो बढ़ जाती हैं। क्योंकि जो बारिश ज़्यादा होती है, खेत के अंदर ज़्यादा जल भराव हो जाता है, खेत में अधिक मॉइस्चर हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी फसलों के अंदर जो वेजिटेबल्स क्रॉप हैं उनमें विल्ट आने की समस्याएँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हम विल्ट को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि अभी लगातार बारिश हो रही है तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी फसलों में विल्ट आए। और कभी कभी तो जब ज़्यादा पानी भरा रहता है, 24 घंटे के लिए अगर आपके खेत में पानी भरा रहता है सब्जी वर्गीय फसलों के अंदर, तो उनमें विल्ट आना तय होता है। और कभी कभी पूरी की पूरी क्रॉप 24 घंटे के अंदर विल्ट आ करके नष्ट हो जाती है, पौधे पूरे मुरझा करके ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यदि ज़्यादा जल भराव है, ज़्यादा मॉइस्चर है आपके खेत के अंदर, तो आप इससे विल्ट से कैसे बच सकते हैं, कौन से बेस्ट केमिकल हैं, कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी चाहिए। देखिए, हमने भी अपने फॉर्म पे वेजिटेबल्स क्रॉप लगाई हैं, और देखिए यहाँ पर एक तो यस्टरडे रेन हुई है और उससे पहले भी एक रेन हुई है। तो इससे पहले जो एक रेन हुई थी उसमें उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसमें बारिश तो हुई थी, क्योंकि हमारा फील्ड ड्राई था तो पानी को एकदम से सोख लिया था, तो उतनी ज़्यादा मॉइस्चर हमारी मिट्टी में नहीं था। लेकिन यस्टरडे जो रेन हुई है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्म पे जल भराव हुआ है खेत के अंदर, और बहुत ज़्यादा अभी तक मॉइस्चर बना हुआ है, जिसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। हमने टमाटर लगाया है, खरबूजा लगाया है, तरबूजा लगाया है, खीरा लगाया है। तो देखिए, इसमें अब विल्ट आना तय है, हालांकि अभी कोई विल्ट का सिम्टम शो नहीं हो रहा है। देखिए, दो चीज़ होती हैं, एक तो आपके खेत के अंदर ज़्यादा पानी भर गया और विल्ट आ गया, पौधा पूरी पूरी क्रॉप 24 घंटे के अंदर मुरझाकर ख़त्म हो गई। तो अगर पूरी की पूरी क्रॉप आपकी मुरझा रही है तो समझ जाइए अब इसको ठीक करना मुश्किल नहीं है, अब तो क्रॉप आपकी डैमेज है। लेकिन अगर कुछ पौधे अभी तक आपको कोई सिम्टम्स भी नहीं दिख रहा है लेकिन मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है, तो समझिए कि विल्ट तो आएगा ही, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी क्रॉप को ठीक कर सकते हैं। और यदि एक दो पौधे में भी अभी सिम्टम्स दिख रहा है तब भी हम अपनी क्रॉप को बचा सकते हैं। तो देखिए, आपको क्या सावधानी रखनी है, जब भी आप ज़्यादा मॉइस्चर हो आपके खेत के अंदर, देखिए यदि आपकी मिट्टी सैंडी सॉइल है, रेतीली मिट्टी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि सैंडी सॉइल जो पानी को एकदम से सोख लेती है और उसके अंदर मॉइस्चर उतना नहीं रहता है। लेकिन जो अदर मिट्टी है उनमें क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जो पानी को ज़्यादा सोख नहीं पाती हैं और उनमें लंबे समय तक मॉइस्चर बना होता है। तो देखिए क्या करें, जब भी ज़्यादा बारिश हो, यदि आपके खेत में पानी भरा हुआ है और आपने टमाटर, देखिए टमाटर के अंदर जो विल्ट की समस्या है, टमाटर के अंदर, मिर्च के अंदर, जो हमारी सब्जी वर्गीय फसलें हैं बैंगन के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, और जो बेल वर्गीय फसलें हैं जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, तो ये तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इनमें थोड़ा ज़्यादा पानी भरा रह जाए तो ये एकदम से इनमें विल्ट आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे में क्या करना है कि आपके खेत के अंदर यदि ज़्यादा जल भराव है, बारिश ज़्यादा हुई है, तो उसको कोशिश करें कि इमीडिएट उसको जल निकास कर दें। जल निकास की व्यवस्था होनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक आप पानी को नहीं निकालेंगे तो हम अपनी क्रॉप को सेफ नहीं रख सकते। यदि पानी लंबे समय तक भरा रहेगा तो आप, क्योंकि जब तक आपके खेत के अंदर ज़्यादा पानी रहेगा, ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा, तो हम कोई उसमें फंजीसाइड भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करेगा। तो फर्स्ट स्टेप आपका यही होना चाहिए कि अगर आप उस पानी को निकाल सकते हैं, जल निकास आप कर सकते हैं, तो इमीडिएट कर दीजिए जितना आप पानी उससे खेत से बाहर निकाल सकते हैं, कोशिश करें। उसके बाद देखें कि जैसे आपका मिट्टी ड्राई हो, सॉइल आपकी थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए, तो उसके लिए देखिए यदि आपने मल्च में लगाया हुआ है, जैसे हमने मल्च में लगाए हैं, तो जो मल्च में जहाँ पौधा लगा होता है तो उसके जो हॉल्स होते हैं उनको थोड़ा बड़ा कर दें, ताकि जो एरेशन है, हवा का आवागमन है, वो अच्छा हो जड़ों के पास, और जो वहाँ की जड़ों के आसपास की मिट्टी हो जल्दी से ड्राई हो, क्योंकि जितनी जल्दी मिट्टी ड्राई होगी उतना जल्दी विल्ट कंट्रोल होगा, क्योंकि जो विल्ट आता है वो ज़्यादा मॉइस्चर के कारण ही आता है। तो पहला स्टेप आपको जल निकास करना है, दूसरा आपको मिट्टी जो हॉल्स हैं, जो आपने यदि उस मल्च में लगाई है तो उसके जो हॉल्स हैं उनको बड़ा करना है, और जैसे ही थोड़ी मिट्टी ड्राई हो तो उस मिट्टी को थोड़ा लूज भी कर दें, जो उसमें और अंदर तक एरेशन हो, मिट्टी जल्दी से ड्राई हो जाए, ताकि हम अपना ट्रीटमेंट दे सकें। और देखिए, ज़्यादा मॉइस्चर आपका बना हुआ है तो ट्रीटमेंट जरूर दें, क्योंकि अभी हो सकता है विल्ट का सिम्टम्स नहीं शो हो रहा है लेकिन बाद में आपको विल्ट आना निश्चित होता है, तो इसलिए उसमें अब ड्रिंच आपको जरूर देना पड़ेगा। तो देखिए, विल्ट के सिम्टम्स कैसे दिखता है पहले हम ये भी जान लेते हैं। देखिए, विल्ट का मतलब होता है हिंदी में मुरझाना, यानी कि
जैसे ही विल्ट आता है तो हमारा जो पौधा है आप देखेंगे कोई एकदम मुरझा जाएगा, तो समझ जाइए कि उसमें विल्ट की समस्या हो सकती है। लेकिन केवल उसी से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि पौधा मुरझा है और हम कह दें विल्ट है, क्योंकि उसके कई और कारण हो सकते हैं। दूसरा, विल्ट का और भी सिम्टम्स होता है कि पत्तियां जो है वो पीली भी पड़ने लगती है, या तो आपका पौधा मुरझा जाएगा या जो पत्तियां हैं वो पौधा हो सकता है मुरझाए ना, लेकिन उसकी पत्तियां पीली पड़ने लग जाए नीचे की तरफ से, या कोई एक पार्ट आपका प्लांट का या एक भाग कोई पीला पड़ने लग जाए उसकी पत्तियां। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड से पीली पड़नी है, एक साइड से अच्छी है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे आपको देखे कि आपके पौधे की पत्तियां एकदम से पीली पड़ रही हैं या पौधा एकदम से मुरझा गया है, तो उस पौधे को जड़ से उखाड़िए और उसकी जड़ को चेक कीजिए। या तो आपको जड़ ब्राउन कलर की दिखेंगी और जड़ पे भी अभी सिम्टम्स नहीं दिख रहा है तो आप उसके स्टेम को चीरिए, उसका स्टेम के अंदर भी आपको ब्राउन कलर का नजर आएगा, तो उसका मतलब है कि वहां पे फंगस का अटैक हो चुका है। जिसकी वजह से, क्योंकि जब जड़ पे फंगस का अटैक हो जाता है, स्टेम के अंदर फंगस का अटैक हो जाता है या बैक्टीरिया का अटैक हो जाता है, क्योंकि जो विल्ट आता है वो फंगस और बैक्टीरिया दो कारण उसके होते हैं, तो उसकी वजह से जो जड़ है या उसका स्टेम वो खराब हो जाता है, जिससे पौधा पानी और न्यूट्रिशन को अपटेक नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से पौधा या तो एकदम से मुरझा जाता है या पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, क्योंकि वो पोषक तत्व नहीं ले पा रहा है। तो ये विल्ट के सिम्टम्स होते हैं। तो इस तरीके से पौधे को उखाड़ कर आप चेक कर सकते हैं, पत्तियां जो उसकी पौधे की जो जड़ें हैं यदि वो ब्राउन कलर की हो रही हैं तो समझ जाइए कि उसमें विल्ट है, क्योंकि जो हेल्दी पौधा होता है उसकी जो रूट्स होती हैं वाइट होती हैं और अंदर भी पौधा जो स्टेम होता है उसको चीर कर देखेंगे वो भी हेल्दी दिखता है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें विल्ट है। अब देखिए, विल्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक तो फ्यूजेरियम विल्ट होता है, एक बैक्टीरियल विल्ट होता है। फ्यूजेरियम विल्ट जो होता है फ्यूजेरियम नाम की फंगस के कारण आता है, इसलिए हम इसको फ्यूजेरियम विल्ट कहते हैं। बैक्टीरियल विल्ट जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण आता है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये फ्यूजेरियम विल्ट है बैक्टीरियल विल्ट है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो देखिए, फ्यूजेरियम विल्ट हो चाहे बैक्टीरियल विल्ट हो, दोनों के जो सिम्टम्स होते हैं एक समान होते हैं, यानी कि दोनों में पौधा मुरझाएगा या पौधा हो सकता है मुरझाए ना, लेकिन दोनों में ही हो सकता है कि जो पत्तियां वो पीली पड़ जाएंगी। तो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें, तो उसके लिए हमें घर पर अपना एक टेस्ट लेना पड़ता है छोटा सा। उसके लिए आप एक कांच का गिलास लें जो ट्रांसपेरेंट हो और उसके अंदर पानी भर लें, या कोई भी बर्तन ले सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो और उसके अंदर पानी भर लें। उसके बाद जो विल्ट से प्रभावित पौधा है उसको जड़ से उखाड़ लें और उसकी जड़ को काट दें, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हो। और जड़ को काटने के बाद और उसको जो हमारा पानी हमने लिया है ग्लास में, कांच के ग्लास में, उस जड़ को उसमें डिप करें और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखें। उसके बाद साइड से आप देखेंगे कांच के ग्लास में तो आपको एक मिल्की सब्सटेंस, दूध जैसा पदार्थ निकलता हुआ दिखाई देगा। यदि वो निकलता हुआ दिखाई देता है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो समझ जाइए कि हमारी फसल के अंदर जो बैक्टीरियल विल्ट है उसका अटैक है, क्योंकि ये जो मूवमेंट होती है बैक्टीरिया की मूवमेंट होती है। तो यदि ऐसा पदार्थ निकल रहा है तो समझिए बैक्टीरियल विल्ट है, और यदि नहीं निकल रहा है तो समझिए फ्यूजेरियम विल्ट है। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं कि हमारे खेत के अंदर बैक्टीरियल विल्ट है फ्यूजेरियम विल्ट है। अब देखिए, मान लीजिए आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारे खेत के अंदर बैक्टीरियल विल्ट है, तो बैक्टीरिया को मारने वाली जो दवाइयां हैं हमें वो देनी पड़ेंगी। तो बैक्टीरियल विल्ट की पहचान होती है तो उस पर जो अच्छी दवाई काम करती है, देखिए एक आता है सिंजेंटा कंपनी का, ग्रालिज के नाम से फंजीसाइड आता है, बैक्टीरिया साइड आता है, और ये फंजीसाइड का भी वैसे काम करता है। इसमें कासू का माइसिन होता है 5% प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है 45%। तो देखिए, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आप जानते हो बैक्टीरिया नाशक का भी काम करता है, फफूंदी नाशक का भी काम करता है। तो आप इसको दे सकते हैं यदि बैक्टीरियल विल्ट है। और बैक्टीरियल विल्ट में हमें क्या करना होता है, बैक्टीरियल विल्ट हो चाहे फ्यूजेरियम विल्ट हो, जो दवाइयां हैं वो जड़ों में डालनी पड़ती है, यानी कि ड्रिप्स देना पड़ता है जड़ों के पास, स्प्रे उसमें काम नहीं करता है। तो देखिए, ग्रालिज का आप ड्रिंच दे सकते हैं, उसके लिए आपको 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से हमें ड्रिंच देना पड़ता है, 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर आप ड्रिंच दे सकते हैं। डोज जो मैं आपको बता रहा हूँ ड्रिंच की डोज बता रहा हूँ, ये डोज कभी स्प्रे में यूज ना करें। तो विल्ट के लिए क्योंकि ड्रिंच ही देना है तो आप 2.5 ग्राम के हिसाब से ग्रालिज का ड्रिंच दे सकते हैं बैक्टीरियल विल्ट को रोकने के लिए। या हमारा कॉनिका आता है, उसमें भी सेम टेक्निकल होता है, आप उसका भी ड्रिंच दे सकते हैं। या आप केवल जो हमारा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है उसका भी ड्रिंच दे सकते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया साइड का भी काम करता है, फंजी साइड का भी काम करता है, तो वो बैक्टीरियल विल्ट को भी रोकेगा और फ्यूजेरियम विल्ट को भी रोकेगा। तो बैक्टीरियल विल्ट के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी दे सकते हैं। या हमारा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, किसके साथ, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ, 2.5 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस 2 ग्राम पर टैंक, 2 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप जो हमें वो डालना होता है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डालना होता है, उसके साथ मिक्स करना होता है
और 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमें जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है वो मिक्स करना होता है। उसके बाद आप ड्रिंच कर सकते हैं, इससे जो बैक्टीरियल विल्ट है वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जब आप ड्रिंच जब भी करें, जब जो सॉइल है वो ड्राई हो जाए, जब तक मिट्टी गीली है तब तक कोई भी दवा ड्रिंच ना दें, क्योंकि कोई काम नहीं करेगी। तो पहले कोशिश करें कि मिट्टी को ड्राई करना है, जब मिट्टी ड्राई हो जाए जब उसकी जड़ों में हमें ड्रिंच करना है। तो अगर बैक्टीरियल विल्ट है तो ये दवाएं काम करेंगी। यदि आपके विल्ट की पहचान होती है फ्यूजीरियम के तौर पे कि फ्यूजीरियम विल्ट है, तो उसके लिए फंजीसाइड आप दे सकते हैं जो फ्यूजीरियम फंगस को रोकने में प्रभावशाली होते हैं। जैसे कि आप रेडोमिल गोल्ड फंजीसाइड का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें मेटालेक्सिल होता है प्लस मैनकोजेब होता है। इसकी आपको 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ड्रिंक्स देना पड़ेगा, अच्छे से जो ये है जो विल्ट की समस्या वो कंट्रोल हो जाएगी। और एक हफ्ते के अंदर से आप इसको रिपीट कर दें तो और भी अच्छा कंट्रोल मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा ब्रांड आता है वो सांप के नाम से आता है, जिसमें कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब होता है। तो आप इसका भी ड्रिंक्स ले सकते हैं 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। ये भी जो विल्ट है फ्यूजीरियम विल्ट, उसको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है हमारी फसलों के अंदर। और देखिए, यदि आप कंफ्यूज रहते हैं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि बैक्टीरियल विल्ट है या फ्यूजीरियम विल्ट है, तो उस कंडीशन में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का ड्रिंच दे सकते हैं, क्योंकि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बैक्टीरियल विल्ट को भी फ्यूजीरियम विल्ट को भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और मिक्स कर सकते हैं। वो जो स्टेप्टोसाइक्लिन हमें मिक्स करना है 2 ग्राम पर टैंक मिक्स करना है, यानी कि प्रति 16 लीटर वाटर में 2 ग्राम ही डालना है। और 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमें जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है वो डालना है। तो उससे आप ड्रिंक्स ले सकते हैं, इससे आपका फ्यूजन विल्ट हो चाहे बैक्टीरियल विल्ट हो दोनों को कंट्रोल करेगा। और एक हफ्ते बाद रिपीट कर देंगे तो काफ़ी अच्छा आपको कंट्रोल मिलेगा। तो इस तरीके से आप विल्ट की समस्या को रोक सकते हैं अपनी फसलों के अंदर। उम्मीद है किसान भाइयों, जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।